यह वीडियो सामान्य ज्ञान पर आधारित है, आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, मन्नार की खाड़ी में पब्बन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है? ऑप्शन है पाक जल संधि, राम सेतु, पटकाई की पहाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो सही आंसर है पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक माध्यम कौन सा है? ऑप्शन है टेलीकॉम, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रेल, कृषि। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेल। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ, मक्का। तो सही आंसर हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन है डल झील, इंदिरा झील, चिल्का झील, सांभर झील। तो सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है टोटबेट्टा, नीलगिरी, अन्नाईमुड़ी, कंचनजंगा। तो सही आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। तो सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की असल सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है वो भारत की असल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत की असल सीमा से सबसे ज़्यादा लगती है। अगला क्वेश्चन, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? इंडिया शब्द का यहाँ पे सब मिसप्रिंट हो गया है। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है रोमन्स ने, यूनानियों ने, अरबों ने, अंग्रेजों ने। तो सही आंसर हो जाएगा यूनानियों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, बैंगनी, पीला, नीला। तो सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना के विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो सही आंसर है रूस। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 61वां, 122वां। तो सही आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांदार शाह, शाहजहां। तो लंपट मूर्ख जो है वो जहांदार शाह को कहा जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि इसका अगला वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।